लोकेशन ट्रेसिंग को लेकर के लोगों में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो शुरू से बने आ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि क्या हम किसी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं घर बैठे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके दिमाग में चलते हैं, और YouTube पे आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि आप ये करके, आप वो करके, आप ऐसे करके, वैसे करके किसी का भी लोकेशन जान सकते हैं, किसी का भी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो की कितनी प्रतिशत सत्यता है और क्या उसकी सच्चाई है, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद पता लग गया होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल ही एक नया तरीका बताने वाला हूँ, आप कैसे किसी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो फोटो के जरिए। अगर किसी ने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपना फोटो पोस्ट किया तो आप उस फोटो के जरिए कैसे जान सकते हो कि उसने उस फोटो को कहां पे क्लिक किया है। अगर उसने अपने घर पे क्लिक किया है तो जी हां, उसका घर का भी लोकेशन आपको पता लग जाएगा। और इसके मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके बताऊंगा और उसकी प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, लोकेशन ट्रेस करके दिखलाऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले कर लीजिएगा। सो हे गाइस, मैं हूं सनी सौरभ और आप हैं मेरे YouTube चैनल सनी सौरभ टेक्निकल पे। स्पीच देने के लिए तो अभी कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट चलते हैं आपको बिना कष्ट दिए और समय को नष्ट किए अपने पॉइंट पे। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो बेहद ही सिंपल है और शायद आपको पता होगा। यहाँ पे मैंने अभी दो फोटो क्लिक किया है, आप देख सकते हैं ये दो फोटो है। मैं आपको दिखला देता हूँ ये दोनों फोटो। एक तो सिंपल फोटो है और जो दूसरा फोटो है उसमें मैंने फ्लैश ऑन करके किया है। इसको पता चलेगा आपको आगे मैंने क्यों ये दो फोटो क्लिक किए हैं। तो जो सबसे पहला जो तरीका है वो बिल्कुल ही सिंपल है। आपको अपने फोटो पर राइट क्लिक करना है और जाना है इसके प्रॉपर्टीज़ में। ये सबसे नीचे आपका प्रॉपर्टीज़ आता है, शायद ये आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जाना है आपको डिटेल में। जब आप डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसको बस आपको ड्रैग करते जाना है। जब आप नीचे ड्रैग करते जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा GPS का ऑप्शन। ये देखिए, ये रहा GPS का ऑप्शन। ये देखिए, यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया रहता है। इसके जरिए आप किसी का भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, इससे आप किसी का लोकेशन तो ट्रैक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक फ़ोटो में जो आपको जाननी चाहिए और जिससे आपका लोकेशन ट्रैकिंग में और भी ज़्यादा मदद मिलेगा और आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चलेगा। तो उसके लिए आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने गूगल क्रोम में और यहाँ पर मैं एक URL टाइप करूँगा, उसका नाम है pic2map.com, जिसे आपको भी टाइप करना है सर्च वाले में और एंटर करना है। एंटर करते ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिखेगा सेलेक्ट फोटो फाइल, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग अपना पहला वाला फ़ोटो बिना फ्लैश वाला उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा सर्च होने लगेगा। ये सर्च होने के बाद आपके सामने मेरा एग्जैक्ट लोकेशन, देखिए यहाँ पे जो मैप में दिख रहा है ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन है। साथ ही साथ बगल में आपको यहाँ दिख रहा है किस कैमरे से ये फ़ोटो क्लिक किया गया है, उसके बाद इसका डेट क्या है क्लिक करने का, एड्रेस मेरा क्या है, एग्जैक्ट एड्रेस मेरा, उसके बाद सिटी, कंट्री और लोकेशन सब कुछ यहाँ पर दिख गया। उसके बाद बहुत सारे और भी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि कंपनी का लेंस का डिटेल, ISO स्पीड, उसके बाद बहुत सारे मैंने किस पोजीशन पे लिया है, हर चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। मैंने फ्लैश का जो बताया था वो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे फ्लैश का यूज़ नहीं किया था तो यहाँ पे फ्लैश ऑन था या ऑफ था वो डिटेल भी आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे अगर आए तो यहाँ पे GPS का हर चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, आप आराम से किसी का भी ट्रैक कर सकते हो लोकेशन। उसके नीचे आए तो यहाँ पे एक और चीज़ दिखेगा, फ़ोटो नियर दिस लोकेशन, इस लोकेशन के नियर कोई भी जगह है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अभी मैंने जो आपको दिखलाया है इसमें ऑलमोस्ट 99% हर चीज़ रिवील करके रख दिया है एक फ़ोटो का। आप किसी का भी लोकेशन आराम से ट्रैक कर सकते हो, लेकिन एक फ़ोटो में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो उस फ़ोटो के बारे में हर चीज़, तो उसके लिए आपको मैं एक और तरीका बताऊंगा जो कि हमारा थर्ड तरीका होगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैं अभी मैं आपको बताऊंगा वो आपको जो नॉर्मल लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा, वो उन्हीं को समझ में आएगा जो कि फोटोग्राफी करते हैं और जिनको फ़ोटो का बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। तो इसके लिए आपको फिर से जाना है अपने गूगल क्रोम में। फिर से मैं यहाँ पर एक URL यहाँ पर इनपुट करूँगा, वो आपको देखना है। यहाँ पर आपको लिखना है exif.cgi। इसके टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है। इसको टाइप करने के बाद, एंटर करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जेफरीज इमेज मेटाडाटा व्यूअर। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है, URL, आप किसी फोटो का URL भी पेस्ट कर सकते हो, उसके बाद फाइल, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो किसी फाइल को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना सेकेंड फाइल चूज करेंगे जिसमें फ्लैश ऑन था।
तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको चूज कर लिया है। अब यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है तो ये व्यू इमेज डेटा हाइलाइटेड हो जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने डेटा आ जाएगा इस फोटो का। पहले तो जो डेटा मैंने शुरू में बताया था सेकेंड वाले ऑप्शन में, वो सब आएगा, जो लोकेशन वगैरह है, डेट वगैरह है, और ये जो लेंस का इन्फॉर्मेशन है, कैमरा का इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस पर एक्स्ट्रा क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लोकेशन तक तो सही है, आपने देखा ही था सेकेंड वाले ऑप्शन में। अब अगर हम नीचे ड्रैग करें तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी एक फ़ोटो के बारे में कि आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। और भैया मेरे समझ के तो पूरे बाहर है, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इन फ़ोटोज़ का और इन चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, एक फ़ोटो का हर एक इन्फॉर्मेशन जो उस फ़ोटो में होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको तीन तरीके बता दिए हैं कि आप किसी का लोकेशन कैसे ट्रैक कर सकते हो सिर्फ एक फ़ोटो के जरिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। लेकिन मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या पता हमारा अगला वीडियो पसंद आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।